वेज मंचूरियन बनाने के लिए हमें चाहिए एक गोभी, दो तीन गाजर और थोड़े से प्याज, बिल्कुल चॉप होने चाहिए छोटे छोटे, ओके। उसके बाद हम डालेंगे एक चम्मच के आसपास काली मिर्च मतलब ब्लैक पेपर, गरम मसाला आधा चम्मच और स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। उसके साथ हम डालेंगे दो तीन चम्मच अरारोट और दो तीन चम्मच मैदा। ये हम दोनों चीज़ें डाल दी हैं। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और बिल्कुल एक आटे जैसा पेस्ट बना देंगे। आपको लगता है कुछ कम भरती तो आप डाल सकते हैं अरारोट या मैदा। आप देख सकते हैं ऐसा पेस्ट बनाना है। अरारोट और मैदा नहीं खाना है हमें, वेजेस खानी है, ओके। तो ध्यान देना ज़्यादा वो ना डल पाए। और मैंने एक पन्नी ली है और पन्नी के अंदर थोड़ा सा ये लिया है हमने अपना पेस्ट, थोड़ा सा ऊपर से सूखा आटा डाला है। इसको घोल बनाकर हाथों से, और हाथों से नहीं कर सकते तो इसके ऊपर दोबारा से कोई पन्नी रख कर बेलन से आप इसको घोल बना सकते हैं। कटिंग कर देंगे स्क्वायर में। अब हम लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर मैंने ये तीन चार चम्मच डाली हैं अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छे से, और दो तीन मिर्ची डाली हैं। आप अपने स्पाइसी के हिसाब से देख सकते हैं, और नई मिर्ची पसंद तो मत डालना, आप स्किप कर सकते हैं। तो अब हमारी अदरक और लहसुन का पेस्ट रेड हो चुका है। उसके बाद मैंने डाली है टमाटो सॉस, थोड़ी सी हमने डाली है सोया सॉस। इसके साथ हम डाल देंगे अब थोड़ी सी चिंग सेजवान चटनी, एक चम्मच या दो चम्मच आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसको हम मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से। आप देख सकते हैं बिल्कुल अमेजिंग कलर आया है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च। आप अपने स्वाद अनुसार देख सकते हैं कम ज़्यादा, मैंने थोड़ा सा स्पाइसी रखा है। अब मैंने डाला है अरारोट पानी, अरारोट आधा चम्मच और आधी कटोरी पानी ली थी उसमें मिक्स करके डाल दिया था। अब जो ये हमारे तले हुए थे वेज 99 के स्क्वायर, हम इसके टू पीसेस कर देंगे रेक्टेंगल में। उसके बाद इन सब को काट के फिर से एक बार डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के बाद ये बहुत क्रिस्पी और अमेजिंग बनेंगे। तो मैंने पीसेस काटने के बाद दोबारा से एक बारी और डीप फ्राई किया था और अपने पेस्ट में डाल दिया, और थोड़े से स्वीट कॉर्न मेरे पास पड़े थे वो भी डाल दिया। आप थोड़े थोड़े पनीर है तो पनीर के स्क्वायर भी तल कर डीप फ्राई करके डाल सकते हैं, अच्छे लगते हैं बहुत। तो बस अब रेडी है, खाते हैं।